एनुअल फंक्शन के डे पर मैं आप सभी को अपनी ई सीरियल जर्नी शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही टेंथ हमारा क्लास आने वाला होता है नाइन्थ के बाद, हमारे अंदर एक नई क्यूरियोसिटी आती है कि हम टेंथ में जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। सेम मेरे साथ भी यही था। जब मैं अप्रैल में नया एडमिशन मेरा क्लास टेंथ में जब मैं एंटर हुई तो मुझे बहुत खुशी थी। बचपन से मैं अपने क्लास टेंथ का इंतजार कर रही थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स सब लोग। जब मैं क्लास टेंथ में एंटर हुई, मैंने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की, लेकिन कुछ समय बाद मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मेरे मामा जी की डेथ हो गई, जो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते थे और बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। नेक्स्ट मैंने अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। फिर 16th of July को मेरा बर्थडे आया और मैंने गॉड से एक प्रे की कि काश मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर कुछ ऐसा मिल जाता जिसके कारण मैं अभी भी पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल से मैसेजेस एंड फ़ोन आ रहे थे कि अब एग्ज़ाम्स होने हैं। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। बर्थडे के थोड़े दिन बाद 31st of July को मुझे ई सीरियल फैमिली मिली और मैं उनसे जुड़ पाई एनके सर एंड शेखर सर की हेल्प की वजह से। सो थैंक यू शेखर सर एंड एनके सर। नेक्स्ट 2 अगस्त को फर्स्ट टाइम मैंने अपने मेंटर आदित्य सर से बात की। द फर्स्ट उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट एंड गाइड किया। सो सर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिल गई और ऐसा एक अच्छा सा सफ़र मिल गया जिस पे चल के हम अच्छे अपनी लाइफ में पक्का से कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ई सीरियल में आने के पहले कुछ समय पहले मैंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक नंदिनी गर्ग का इंटरव्यू लिया जा रहा था, वही फिजिक्स वही जो दीवाना बनाने यानी कि सारांश गुप्ता सर के द्वारा। सो मैंने उनको देखा, उनके वे ऑफ स्पीकिंग को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते कितना अच्छा होंगे, जबकि मैंने उनकी पहले भी वीडियो एक भी नहीं देखी थी। फिर मुझे नहीं पता था कि मैं वर्चुअली उनसे मीट कर पाऊँगी। फिर ई सीरियल फैमिली की वजह से मुझे यहाँ पे सर से वर्चुअली बात करने का मौका मिला। सो थैंक यू ई सीरियल फैमिली। फिर मैंने अपने गॉड से थैंक यू बार बार आज भी कहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सी फैमिली मिली जहाँ पे केवल मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता। जुलाई को मैंने ज्वाइन किया 31st एंड 15th of August को यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हुआ ई सीरियल आर्मी कॉन्स्टेंट, जहाँ पे मैंने 2nd of rank गॉड की। मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि मैंने ई सीरियल की टी शर्ट पहनी, मुझे ई सीरियल की टी शर्ट मिली ठीक एक महीने बाद। अभी 26th of January को मैंने फर्स्ट रैंक गॉट की। फर्स्ट रैंक पाने से इतनी खुशी नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने जो सेल्फ रिटन पोएम लिखी थी उसको सारांश सर ने पढ़ा। रियली मेरे लिए वो फीलिंग्स आप सभी के साथ बताना बड़ा मुश्किल है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जब मेरे सर ने पोएम पढ़ी, जो भी मैं पढ़ रही थी उसमें कुछ भी डाउट्स आता था तो वो कोनिका मैम हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल करा के, फैकल्टीज से बात करा के मैं डाउट्स को क्लियर कर देती थी। तो आपको भी थैंक यू कोनिका मैम। फिर अगस्त में मेरी नई मेंटर मुझे पूनम मैम का कॉल आया, सी इज़ वेरी अमेजिंग ऑल्सो। सो आदित्य सर आप बहुत अच्छे हैं, 9th 10th जो मैं जो भी बच्चे आते हैं आप उनको इतने अच्छे से गाइड करते हैं। टीचर्स डे में जो सेम लाइंस मैंने बोली थी आज आपके लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि सही आपके लिए वो सटीक रहेंगी। तो मैं बोलना चाहूँगी, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसखिय परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। तब जाके दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। कि समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। सेम बिल्कुल सटीक लाइन मेरे आदित्य सर के लिए। आप जो भी नए बच्चे आते हैं उनको कितने अच्छे से मेंटर करते हैं, कितने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर करेंटली मैं अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फैमिली में आके। मुझे सबसे अच्छा यहाँ के वीडियो लेक्चर्स कितना अच्छा होता है ना, कि कभी हम क्लास में इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन मुझे इतने अच्छे से समझ में कभी आएगा कॉन्सेप्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले भी मैंने ऐप्स ज्वाइन किए थे लेकिन उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज मुझे नहीं मिली थी। सो अगेन थैंक यू ई सीरियल। फिर अभी जो हमारी श्वेता मैम, प्रवीण सर, दीक्षा मैम एंड जो भी सर यहाँ पे हैं, जो भी हमारी फैकल्टीज प्रेजेंट हैं, आयुषी मैम, वो कितने अच्छे से हमें गाइड भी करते हैं अपने मोटिवेशन से, और प्लस कितने अच्छे से हमारे लिए रिवीजन लेक्चर्स, कितने अच्छे से हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आप सभी लोग को भी धन्यवाद। एंड दैट्स अनके सर, सारांश सर, प्रतीक सर, रियली आप लोग बहुत अमेजिंग हैं।
गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप लोग के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। सो आप तीन लोग हैं, आप बेस्ट लोग हैं, तो आपके लिए मैंने खुद से बनाई हुई है लाइंस, सुनिएगा। तीन रंग का मेरा तिरंगा, तीन रंग की डोली, तीन रंग का मेरा तिरंगा, तीन रंग की डोली, तीन बेस्ट टीचर्स ने मिलके भर दी हम बच्चों की शिक्षा की झोली, तीन बेस्ट टीचर्स ने मिलके भर दी हम बच्चों की शिक्षा की झोली। थैंक यू अगेन अगेन एंड अगेन। मेरे लिए मेरे फेवरेट टीचर को बताना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती कि कौन फेवरेट है, क्योंकि आप तीनों एक से बढ़कर एक बेस्ट टीचर्स हैं। लव यू इसरल एंड लव यू इसरल फैमिली। एट द लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर माई सेल्फ रिटन पोयम। कुछ पंक्तियाँ हैं जो आप सभी के साथ, खुद की लिखी हुई हैं, वो आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों से सब लोग मोटिवेट हों और वो अपने जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन इसरल में ही करवाएं। ज्ञान को रटने की तरह से पढ़ाकर, ज्ञान को रटने की तरह से पढ़ाकर बच्चों को बैसाखियाँ देना जिन्हें अच्छा नहीं लगता, बच्चों को बैसाखियाँ देना जिन्हें अच्छा नहीं लगता, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखना अच्छा नहीं लगता, कि जिन पेरेंट्स को बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखना अच्छा नहीं लगता, तो आ जाइए हमारी इसरल फैमिली में, जहाँ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, जहाँ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, जहाँ सपने बदलते हैं सच में, जहाँ सपने बदलते हैं सच में और लड़खड़ाते पैर भी अब रुकना नहीं चाहते, जहाँ सपने बदलते हैं सच में और लड़खड़ाते पैर भी रुकना नहीं चाहते। मिलती है हर पक्षी को लंबी उड़ान, मिलती है हर पक्षी को लंबी उड़ान, कुछ ऐसी ही है हमारी इसरल की, कुछ ऐसा ही है हमारा इसरल का ज्ञान, कुछ ऐसा ही है हमारा इसरल का ज्ञान। सो थैंक यू इसरल एंड इसरल फैमिली, आई लव इसरल फैमिली। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल मैम।